हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये बैग। देखिए, फ्रंट पॉकेट एक दिया है, टू सेक्शंस भी दिया है और अंदर एक इनर पॉकेट है और इसको मैंने साइड बेस दिया है ताकि इसमें कैपेसिटी बढ़ जाए। इस बैग दिखने को छोटी दिखती है लेकिन साइड बेस होने की वजह से इसका कैपेसिटी बढ़ गया है। आइए सीखते हैं। इस बैग में हमको देखिए फ्रंट एंड बैग है, ये हमें 14.5 और 12 इंचेस लंबाई में 12 चाहिए। ऐसे ये दो पीस चाहिए जिसको मैंने एक को ये भी लगा लिया है, विंडो जिपर लगा दिया है। ये कैसे करना है ये मेरा ऑलरेडी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स डाल दूंगी। ये 7 इंच का जिपर है एक रनर और 14.5 बाय 12 इंच का इसको पूरा एक लाइनिंग भी लगा दिया ताकि ये पॉकेट बन जाए। उसके बाद इसके साइड पैनल के लिए 38 इंच की मैंने पट्टी काटी है, 38 इंच लंबाई है और 5 इंच चौड़ी है। ये तीन साइड के लिए है और ऊपर के जिपर पैनल के लिए मैंने 5 इंच का काटा है, 5 इंच और ये 14.5, जितना ये है उतना ही 14.5 का चाहिए मुझे। उसके बाद ये पॉकेट है जो कि 8 इंच की चौड़ाई है और लंबाई में 7 इंच है और उसको ये साइड में लगाने के लिए देखिए ये 9.5 की जिप ली है मैंने और ये साइड में ये 2 इंच का साइड पे लगाने के लिए ताकि ये बॉक्स पॉकेट बने। इसके लिए इतनी ही लंबाई 7 इंच का ये लिया है। ये थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि मैंने ये अभी जस्ट ये नीचे आएगा, इसके लिए थोड़ा सा 1/2 इंच बढ़ जाएगा, वो हम काट देंगे तभी। हैंडल बनाए हैं, हैंडल वही मैंने 3.5 इंच के काटे थे, दोनों साइड से फोल्ड करके डबल फोल्ड करके हैंडल बनाए हैं। 24 इंच के मैंने लंबाई में ली है और लाइनिंग के लिए 16.5 × 14, ये चौड़ाई में 14 इंच था हम लोग का, 14.5 था तो 2 इंच मैंने बढ़ा दिया और लंबाई में 12 इंच था तो यहाँ पे भी मैंने 2 इंच बढ़ा दिए। और इनर पॉकेट के लिए मैंने 8x9 का पॉकेट रखा है और ये मुझे 3 पीस लगेंगे क्योंकि ये 2 सेक्शन में बनेगा, इसके लिए इसका 3 पीस लगेगा। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉकेट से शुरू करेंगे क्योंकि बैक पॉकेट तो हमारी लग चुकी है। मेन जिपर जो मुझे लगेगा वो 14.5 का ही लगेगा, 2 जिपर लगेंगे और इनसाइड बैक का इनसाइड पॉकेट के लिए जो लगेगा वो 8 इंच का लगेगा। ये मुझे एक साइड में फोल्ड करना है इसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा दिया है। अभी मैं अंदर की ओर फोल्ड करके ही सिला देती हूँ। ये 1/2 इंच का ही पट्टी हमको रखना है। ये जो मेन पैनल को लगेगा तब हमको ये फोल्डिंग चाहिए होता है, इसके लिए मैंने वो एक्स्ट्रा काटा है। अभी इस तरफ से लगाएंगे, इस तरफ से लगाएंगे तब भी ऐसे ही इस कोने से शुरू करेंगे और ये वाला जैसे इस तरफ वाला फोल्ड किया वैसे ही इस तरफ वाला फोल्ड होगा। पट्टी जितनी है उतनी ही ये रखूंगी मैं। अभी हमको मार्क करना है दोनों तरफ से, ये अभी जिप लगाने के काम भी आएगा, बाद में मेन पैनल को लगाने के भी काम आएगा। जिप का भी हम लोग मिडिल ले लेंगे।
कॉर्नर काट के लोग गाफ सिलाई लगा लेंगे, ये अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, सिलाई पॉकेट के ऊपर आएगी, साइड पैनल पे नहीं आएगी। सेंटर मार्क कर लेती हूँ, सेंटर से अभी हमको ये लगाना है, ऊपर से भी सेंटर मार्क कर लेती हूँ ताकि वो ये ऊपर का भी यहाँ पे ठीक से बीच में आ जाए। ये यहाँ पर लगा दूंगी, और ये यहाँ पर आएगा, ये अंदर दबा के ऐसे लगेंगे, और नीचे जब यहाँ पे लगेगा ये तो हम लोग इस मार्क पे सिलाई करने होंगे। ये फोल्ड करके ऐसे कर लिया और इधर मार्किंग कर लेती हूँ, इस मार्क पे पॉकेट लगने वाली है, मतलब ये ऐसे उठ के आएगा। इसे फोल्ड करके हमको पहले से मार्क कर लेना है ताकि वो टेढ़ा वगैरह ना लगे। सिलाई लग गई, अभी हमको ये इस तरह दबा के, क्योंकि इसके ऊपर दबा के, ये इस तरफ दबा के इसके ऊपर हम अभी सिलाई कर देंगे ताकि वो पॉकेट बंद हो जाए। पॉकेट को हमने डबल सिलाई कर दी, नीचे डबल सिलाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे का पैनल आने वाला है। अभी हम लोग हैंडल लगा लेंगे हमेशा के जैसे, सेंटर निकाल के 3 इंच इस तरह, 3 इंच इस तरह लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ मैं। बैक पैनल और फ्रंट पैनल दोनों को हैंडल लग गया है, अभी हम फ्रंट पैनल को ये साइड पैनल लगाएंगे। इसमें हम लोग को अंदर से लाइनिंग है तो मुझे इस बार इसमें मुझे पाइपिंग बाहर से नहीं करनी है, तो मैं ये सीधे के ऊपर ऐसा सीधा रख के ये करूँगी। देखिए मैंने इसमें ये सैटिन का मोटा कपड़ा डाला है और यहाँ पे भी मोटा कपड़ा है और थोड़ी जगह नॉन वुवन डाला है। ये सब विजिबल नहीं है, जो विजिबल है वो नॉन वुवन है, नॉन वुवन से भी ज़्यादा मजबूत ये कपड़ा होता है, तो इसके लिए मैंने ये देखिए सैटिन का कपड़ा है ये और मोटा कपड़ा है, इसके लिए वो मजबूती बढ़ने के लिए मैंने ये कपड़ा लगाया है। आपको अगर नीचे शेप वगैरह देना हो तो आप दे सकते हैं, मुझे इसमें कोई शेप नहीं चाहिए, इसके लिए मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। इसको मैं डबल सिलाई करके लेती हूँ, हमारा ये पैनल लग गया है, अभी इसे ऐसे ही दूसरा पैनल भी हम लोग लगा देंगे। बाहर का हमारा पूरा हो गया है, अगर आपका सिर्फ शॉपिंग बैग वगैरह होगा तो इसको ही आप ऊपर पे एक पट्टी लगा के फोल्ड करके खुद ही चाहिए बैग तो आपको रेडी है। सब जगह मैंने डबल सिलाई वगैरह कर लिया है, अभी हम इनसाइड पॉकेट की वगैरह तैयार करेंगे पूरा लाइनिंग वगैरह। तो ये 9x8 लंबाई में मैंने 8 लिया है, यहाँ पे 9 लिया है, तो इसको एक एक इंच कम मैंने जिप लिया और इसको मैं दोनों तरफ से टैब लगा के इसके ऊपर ये उल्टा रख के इसके ऊपर सिला दूंगी, और ये नॉन वन होने की वजह से फोल्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा इसके ऊपर फिक्स कर दूंगी, पूरा नीचे नहीं करूँगी, थोड़ा सा ऊपर
ऊपर से अराउंड 3 इंच नीचे करके यहाँ पे बीच में लगा दूंगी ये जिपर, तो मैं वो लगा देती हूँ। पहले मेरा पॉकेट लग गया है, अभी हम लोग ये ऊपर का पैनल लगाएंगे। पैनल में मैंने सेंटर का 1.5 इंच लिया है और बाकी का साइड में डाल दिया है, क्योंकि इसमें साइड में एक्स्ट्रा वर्क किए, मैंने 5 इंच का काटा था, अभी मैंने जिपर लगाने के बाद ये बढ़ जाने वाला है, इसके लिए मैंने सेंटर का 1.5 इंच ले लिया है। पहले सेंटर में मैं स्लिप लगा लूंगी, ताकि अगर बढ़े तो मैं साइड का कट कर सकूं। सेंटर पीस को मैं जिप लगा रही हूँ, ये इतना ही बड़ा मैं काटूंगी। डार्क सिलाई लगा लेती हूँ, और एक मैं बीच की जगह पर ये पॉकेट का मैं पीस लगाने वाली हूँ। सेंटर में मैं इधर रख के मैं सेंटर पे सिलाई कर रही हूँ। दोनों जगह सेम डिस्टेंस छोड़ रही हूँ। ये पीस इस तरफ लगाएंगे हम लोग। ये जिप थोड़ा अलग तरीके से लगा रही हूँ, जिप यहाँ पे ठीक है, लाइनिंग में इसमें देखिए ये भी मैंने बीच में लगाया है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, या तो इस तरफ और इस तरफ एक एक लगा देते, तो उसमें एक हम लोग का वेस्ट हो जाता है अंदर, मीन्स डबल सेक्शन के लिए 4 on 1 ये देखिए वो मटेरियल वेस्ट होता है, या तो फिर हम लोग एक तरफ लगा के एक तरफ से दाब सिलाई देते। तो मैंने इस बार क्या किया है, ये बस सेंटर में कर दिया ताकि वो यूसेज हमको मैक्सिमम कैपेसिटी मिले। इवन ये यहाँ पे एकदम एज पे लगता है तो अंदर स्पेस कम हो जाता है, थोड़ा बीच का स्पेस वेस्टेज होता है। अभी अदरवाइज ऑल्सो सेकेंड हम लोग जब नॉन वन लगाते हैं तो इसके साथ ही जिप के साथ ही यहाँ पीछे लगाते हैं, ताकि वो एज फिनिशिंग स्मूथ आ जाए। लेकिन मैं फिर ये क्या होता है, इतना स्पेस साइड का वेस्टेज होता है, तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ पे लगाने वाली हूँ। लेकिन लगाने के पहले मैं वो 4 इंच का, वो 5 इंच का गैप देख के फिर लगाऊंगी। तो पहले मैं इस पे लगा लेती हूँ, नॉर्मल केस में हम लोग यहीं पे लगा के ये करते हैं। अभी इसको मैं सिर्फ दाब सिलाई लगा दूंगी। ऐसे ही दूसरा पट्टी भी करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हो गया है, अब मुझे जस्ट ये देखना है कि इसका जो विड्थ था साइड के सिलाई समेत 5 इंच था, अभी इसका कितना है, उतना ही है, बस एक सूत भर कम है, ज्यादा है ये, तो मैं उतना कट कर लूंगी। ये पीस हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे सेम डिस्टेंस पर रख के ऐसे लगा देंगे।
प्रिंट का कपड़ा होगा तो आप ध्यान रखें, ऐसे आएगा, ये सीधा कपड़ा और ये ऐसे लगाएंगे हम लोग, ये सीधे के ऊपर, ये उल्टी तरफ हम लोग ये इसको लगा रहे, ये उल्टा बैक के दीवार की तरफ चला जाएगा, ये अंदर की तरफ ये सीधा कपड़ा आएगा और ये ऊपर से जब हम लोग खोलेंगे तो अंदर सीधा कपड़ा दिखाई देना चाहिए हमको। अभी हम लोग साइड क्लोज करेंगे, ये इकट्ठा करके अराउंड 1.5 इंच नीचे में साइड क्लोज कर लूंगी पूरा। यहाँ पे डबल सिलाई करके दूसरी ओर भी ऐसे ही सिला दूंगी मैं, दोनों साइड सिल गए। सिर्फ हम लोग ने अभी ये नीचे का सिरा खुला छोड़ दिया है। अभी ये बैग में हम लोग लाइनिंग अंदर डाल देंगे, देखिए लाइनिंग हमको अंदर डालना है तो हमको अभी करना कैसे है वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए एक जिप हम खोलते हैं, राइट टू लेफ्ट मुझे ऐसा खोलना, इधर सिलाई नहीं की तो मैं पहले साइड पे सिलाई कर लेती हूँ ताकि वो खुले नहीं। वरना मैं उलट उलट कर दूंगी तब ये सिलाई खुल जाएगी। कोई भी एक साइड मैंने ओपन कर लिया, या तो मैं नीचे से भी अंदर डाल सकती हूँ, लेकिन मैंने ऊपर की तरफ से देखिए ये इस तरफ खुला ना, तो अभी हमको हमारा बैग फ्रंट साइड यहाँ पे मीन्स ये जिस ऐसे चाहिए, ये फ्रंट साइड है और ये ऐसा खुलना चाहिए, मतलब ये हम लोग जब राइट में लेते हैं तो ये आगे की तरफ होना चाहिए सेफ्टी के लिए। तो मैं ऐसे इसमें अंदर डाल दूंगी, ये फ्रंट साइड मेरी तरफ है और ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो मैं भी इसमें ये बैग डाल दूंगी। हैंडल वगैरह पूरा अंदर से डाल दूंगी और अभी ये हम लोग सेंटर टू सेंटर ऐसे मैच करके, सेंटर से सेंटर मैच करके ये साइड पैनल जब जहाँ है वहाँ ये साइड पैनल ऐसे सब मैं पूरा पिन अप करके आपको दिखाती हूँ। ये सेंटर से सेंटर मैंने पिन अप कर लिया है, तो पहले फ्रंट एंड बैक मैं पहले सिला लेती हूँ। फ्रंट एंड बैक हो गया, अभी मैं साइड का मैं लगा दूंगी। देखिए हमारा चारों तरफ से सिलाई पूरी हो गई है, अभी अंदर का सिर्फ सिरा खुला है, देखिए ये ओपन है जो मैं ये देखिए ये बंद ओपन है अंदर के लिए, तो ये मैं बंद कर दूंगी और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अक्रॉस डाप सिलाई कर दूंगी ताकि वो निखर के आए और ये पीस जो है ऊपर ऊपर ना उठे, ये यहाँ पे मैं डाप सिलाई कर दूंगी। सबसे पहले हम इसे बंद कर देते हैं।
देखिए हमारी बैग तैयार हो गई है, इसको साइड बेल्ट लगा दिया है, यहाँ पे पॉकेट है हमारा। दो सेक्शन है, सेक्शन के अंदर इनर पॉकेट है और ये आउटर पॉकेट है। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।